पर यानी छाती के ऊपर 80 किलो। जय हिंद दोस्तों, जय माँ कल। मैं आपका दोस्त बलवर सिंह और स्वागत है आपका क्षेत्रीय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज अपन अभ्यास नहीं, ये जो अपन अभ्यास करते रहते, जो मैं कराते रहता हूँ हमारे ब्रह्मचारियों को, आज उसका रिजल्ट देखने का टाइम आया। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जो कि असंभव है ऐसे छोटे एज में। आज हमारा ब्रह्मचारी जिसका नाम गोपाल है, आज उसके ऊपर हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको मुद्गर का अभ्यास इसीलिए बताता हूँ क्योंकि उसके अंदर आपका रिब केज की कैपेसिटी बढ़ती, लंग कैपेसिटी बढ़ती और मजबूती इतनी आती जैसे पहले लोग अपनी ताकत को आजमाने के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे। यानी कोई अपने हाथ छाती पे यानी अपने फसलियों पे अपने रिब केज के ऊपर हाथी को ठहरा करता था, कार ठहरा करता था। लेकिन आज तो ऐसी चीजें अपने पास थोड़ा कठिन है हाथी मिलना, लेकिन इसको दूसरे प्रकार से अपन आज करने का कोशिश करेंगे और क्षेत्रीय प्राणायाम का रिजल्ट कैसा होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये हमारा ब्रह्मचारी जिसका नाम गोपाल और मात्र 12 से 13 साल का ब्रह्मचारी, एक बार हाथ बता दो। जय हिंद। लो देखिए दोस्तों, ये 25 किलो का वजन मैं इसके छाती पे रख रहा हूँ इसका रिजल्ट टेस्ट करने के लिए। कुछ हो रहा गोपी? हेलो, क्षत्रिय प्राणायाम का रिजल्ट इतना ताकतवर रहेगा दोस्तों क्योंकि आपके ताकत को अपार बल मिलेगा और आपकी हद से ज्यादा आपको ताकत पहुंचेगी। ये 25-25-50 किलो। कुछ हो रहा है गोभी? और बढ़ाऊ दोस्तों, ये 50 किलो, इसको अपन छोटा और थोड़ा कम रह लेंगे भी वेट, 15 किलो की वेट है। थोड़ा बैलेंसिंग करो, इसको बैलेंस आउट हो रहा है, थोड़ा हाथ से पकड़ के बैलेंसिंग कर लो। दोस्तों इसका वजन 15 किलो, आगे थोड़ा जूम करो। और ये है 25 किलो, ये देखिए दोस्तों। गोभी कुछ हो रहा? और बढ़ाऊं? दोस्तों एक और 15 किलो, टोटल ये 80 किलो का वजन हमारे ब्रह्मचारी के वक्षस्थल पर यानी छाती के ऊपर 80 किलो। तो ये है दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं क्षत्रिय प्राणायाम का प्रभाव क्या होगा आपके जिस्म पे, मात्र छोटी सी उम्र में हमारे ब्रह्मचारी के जरिए आपको बताने की कोशिश करा। और भी अपन एक्सपेरिमेंट करते रहे। गोपी कुछ हुआ? कुछ नहीं। क्या क्या करते रोज? मुद्गल वर्कआउट, क्षत्रिय प्राणायाम, डन वगैरह। टोटली देसी? हाइट बढ़ रही? हाँ। कितना लंबा है अब तक? एक। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जितना हो सके उतना अपना भारतीय कुश्ती कला, अपने भारतीय व्यायाम जो है उसे अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाइए। आप दूसरे भी वर्कआउट्स कर सकते हैं लेकिन अपनी जो प्राचीन कला है उसको भूलना नहीं। अपन ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।